एवरीवन, हियर इट्स मी केया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने एक सीएस फर्म ज्वाइन किया, सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। तो मैंने ऑफिस जाने के लिए अपने घर के पास से ऑटो ले लिया, फिर मैं पहुंच गई स्टेशन, वहां से मैंने लोकल ट्रेन ले लिया। कितना ज्यादा भीड़ होता है ना कि क्या ही बताऊं। फिर मैं हावड़ा पहुंच गई, फिर वहां से मैंने बस ले लिया। बस में भी इतना भीड़ था, बट बाय लक मुझे यार विंडो सीट मिल गया। इतनी खुशी हो रही है, इतना गर्मी लग रहा था ना, फिर ये गंगा का जो हवा लगता है ना फेस में, हाय हाय, आई लव इट। इस टाइम में विंडो सीट मिल जाना, मेरा लक अच्छा है आज। वैसे तो इस सफर में कोई साथ नहीं, पर सॉन्ग सुनते सुनते रास्ता कट ही जाता है। फिर मैं बस से उतर गई, ये ब्लू वाला बस मुझे बहुत दूर छोड़ के चला जाता है। पहले जब मैं शॉपिंग करने आती थी तो यहाँ पर मैं मिनी बस में आती, तो मिनी बस मुझे पूरे मेट्रो के पास रोकता था, तो मुझे ज्यादा चलना नहीं पड़ता था, 1 मिनट 2 मिनट। पर अभी देखो तब से मैं चल ही रही हूँ, देख रहे हो मुझे भी सीधा उतना दूर चल के जाना है, फिर टर्न करके वापस चल के जाना। वैसे मेरा ऑफिस है प्लैनेट में, तो बस वहीं जा रही हूँ। एक तो ये कोलकाता की गर्मी और इसका ह्यूमिडिटी, और ये रही मैं, कैसी लग रही हूँ बताना। मैंने एक रेड शर्ट पहना है इतनी गर्मी में, इतना पसीना में, फिर भी अभी भी ठीक ठाक। तो वैसे ऑफिस में तो एसी है, बट यहाँ पर ही तो मैं पिघल जाती हूँ। तो चलते चलते मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मैंने जो दिखाया था ना आपको वहाँ तक जाना है, तो ये रहा। फिर मुझे टर्न हो के अभी वहाँ तक जाना है, वापस चलना होगा। ओफो, चलते हैं फिर। आज का वेदर सही है इसीलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वरना इतना धूप होता है कि पहले यहीं पर छोड़ देता था मेट्रो के पास, बट अभी तो थोड़ा दूर छोड़ने लगा है, तो इसलिए इतना चल के आना पड़ता है। ये ओबेरा ग्रैंड ख़त्म होगा, फिर एक बिल्डिंग आएगा, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। इतना चलने के बाद भी मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो एट लास्ट मैं अंदर आ गई, पानी भर लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे कितने सारे फाइल्स, बुक्स एंड ऑल है, कंपनीज टैक्स और भी वगैरह वगैरह बुक्स है। मैं भी छूती नहीं हूँ, बाद में कभी देख लूँ। इतनी गर्मी में मैंने बाल खोल गया यार, मैंने भयंकर पंगा ले लिया खुद से। तो मैंने टाई कर लिया बाल, ओफो। तो फिलहाल अभी तक कोई आया नहीं है, बस एक दी आई थी, वो भी नीचे थी। तो बस मैं भी देख ही रही थी कि क्या क्या काम करना है मुझे आज। वैसे मुझे यहाँ आए हुए 4-5 दिन तो हो ही चुके हैं, तो मैं फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो मुझे कुछ काम मिला था तो मैं वही कर रही थी। ये रहा, मुझे नोटपैड्स मिला है, मुझे ये नोटपैड मिला है कुछ भी नोट करने के लिए, और अभी फ़िलहाल मैं लैपटॉप में ही काम करती हूँ। फर्स्ट डे जब मैं आई थी तो मुझे DIR 3 का KYC करना था, तो मैंने वो किया, अभी भी कुछ वही सब बचा था तो मैं वही देख रही थी। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए मैम के साथ बैठ के, फिर हम गए कोरियर करने उसको, क्योंकि वो भैया नहीं आए थे जो कोरियर करने जाते हैं, वो लीव पे थे तो हमें ही जाना पड़ा। अरे यार यहाँ पे ऑफिस क्यों है, मुझे यहाँ पर देखते ही सब कुछ लेने का मन करता है यार, देख रहे हो कितना कुछ तो है। फिर वहाँ से आते आते लेट हो चुका था, तो हम लोगों ने लंच कर लिया, 2:30 हो चुका था। तो वैसे हम लोग 2 बजे लंच करते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हुआ, ठीक है। फिर लंच करने के बाद मैंने AOC 4 फिल किया, मुझे कल ही सब कुछ समझा दिया गया था कि कैसे क्या करना है, मैम बहुत अच्छे से समझा देती है, तो यार मैंने भी वो सब कर दिया, और मतलब ये मुझे सही लगा, कहीं कहीं थोड़े डाउट्स थे तो मैम ने क्लियर कर दिया। इसमें PL बैलेंस शीट, फिर DSA लगाना होता है डायरेक्टर का, एंड यू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ देना पड़ता है, तो बस वही सब था। फिर और भी बहुत कुछ होता है, मैं आपको कभी डिटेल में बता दूंगी। तो काम करते करते देखा मैंने मेरा पानी खत्म हो चुका है, तो मैं जाकर अपना पानी भर लिया एक्वागार्ड से। फिर वैसे मैम ने मुझे बोला था कि भूख लगे तो नीचे स्नैक्स एंड ऑल सब कुछ है, ग्रीन टी है, बनाकर ले लें। वैसे सुबह शाम चाय तो मिलता है यहाँ पर, बट मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो अब ग्रीन टी कौन बनाता है तो उतना कौन करता, इसलिए नहीं करती। एंड बस यूं ही स्नैक्स ले लेती हूँ मैं जब भूख लगता है। अपना छुट्टी होता है 7 बजे, तो वहाँ से निकलकर आज मैम अपने ही रास्ते में जा रही थी, तो टैक्सी में बोली कि चलो साथ में छोड़ देते हैं, तो उनके साथ ही हम चल गए। तो बस हावड़ा पहुँच गए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना इस टाइम में कि क्या ही बताऊँ। घर पहुँचते पहुँचते मुझे अभी 9 बज जाएगा, क्योंकि मुझे अभी वापस जाकर ट्रेन लेना है, और ट्रेन लेने के बाद मुझे ऑटो लेना है, उसके बाद मैं जाके घर पहुँचूँगी। हे भगवान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।